भाग भी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, फिर आप जाएंगे एम पर, एम मतलब कि मल्टीप्लीकेशन, तो फिर आप मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे यानी कि गुणा सॉल्व करेंगे। और इस क्वेश्चन में आपको गुणा दे रखा है पहले से, चार गुणा तीन, ठीक है, उसे आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आप लोग जाएंगे एडिशन पर यानी कि ए पर जाएंगे, एडिशन मतलब कि एड करेंगे और लास्ट में घटा करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एड करने के बाद कितना आ गया, 13 आ गया, माइनस में 4, घटाने पर आंसर आ चुका है 9, 9 इज द करेक्ट आंसर। बताइए कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हमने वर्टिकल एक्सेशन में समझ लिया है और आप लोग का आई थिंक अच्छा लगा होगा। आप इससे ज़्यादा तो आप लोग जाकर कल का लाइव देखिए, वैसे ही पूरा यहाँ पे समझा दूँ जितना क्वेश्चन आप लिखा है मैंने समझाई इतना काम करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है और दो क्वेश्चन और पढ़े हुए यहाँ पर जो कि मैंने लिखा था बोर्ड पर, रात से बेचारे इंतजार कर रहे हैं, इनको समझाई देते हैं, ठीक है, नाराज हो जाएंगे तो, ठीक है, इनकी छोटी सी क्लिप्स लगा दूंगा, आप लोग वैसे भी देख ही सकते हैं नो डाउट, ठीक है। उतारने का टाइम नहीं दिया भैया, उतार लेना भाई पोस्ट करके, ठीक है, वैसे भी रिकॉर्डेड जाने वाली है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखा, 3 ब्रैकेट में 3 प्लस में 4, ओके, और प्लस में 3 × 4, ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, फिर से बोर्ड मास लिख रहा हूँ यहाँ पर, बोर्ड मास को बदमाश से याद कर सकते हो, ठीक है, ओनली फॉर याद करने के लिए, ऐसा ट्रिक नहीं है, ओके, ठीक है, बोर्ड मास, ठीक है, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास में आता है पहले बी मतलब ब्रैकेट, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। जब आप गुणा भी है, यहाँ पर गुणा भी है और यहाँ पर भी गुणा है, जैसे ब्रैकेट हटाएंगे वैसे गुणा का निशान लग जाएगा, बट पहले आपको क्या सॉल्व करना है, पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर का मामला, क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है, बी फर्स्ट नंबर पे है। अब ब्रैकेट के अंदर चाहे गुणा हो चाहे जमा हो, अगर मान लीजिए कुछ लंबा दे रखा हो, मान लीजिए भाग भी दे दे, गुणा भी दे दे, जमा भी दे दे, घटा भी दे दे, तो वहाँ पर भी आपको बोर्ड मास का नियम लगेगा ब्रैकेट के अंदर भी। तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आगे मूव करना है, आगे का समझ में इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 4 3 कितना होता है 7 होता है, यहाँ पर लिख दिया आपने, प्लस में 4 3 12 होता है, 12 यहाँ पर आपने लिख दिया। अब देखो जैसे ब्रैकेट हटाएंगे आप लोग, वैसे यहाँ पर गुणा का निशान आ जाएगा, ब्रैकेट हटाओ गुणा लगाओ, ब्रैकेट हटाओ गुणा लगाओ, सिंपल सी बात है। 3 × 7 यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 12, ठीक है, 7 3 21 प्लस में 12 कितना होता है, ऐड कर दो आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 2 1 3 2 1 3 33 यहाँ पर आंसर आ चुका है। क्या आप सभी का भी आंसर यही आया था, कमेंट करें जल्दी से, क्या आप सभी का भी आंसर यही आया था, बिल्कुल सही है, करेक्ट लिखा है आपने, आप लोग कमेंट करते रहे, आप लोग के आंसर क्या, आप लोग का भी आंसर यही आया था क्या, जल्दी बताएं, ठीक है। आई थिंक आपको पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा और थोड़ा बहुत मैं भी कट रहा हूँगा, कोई बात नहीं, आपको जो लिख रहा हूँ तो दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए लास्ट का एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी करते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातें करेंगे, ठीक है, आप लोग भी करोगे भाई बातें करना, लाइव सेशन था पढ़ा क्यों रहे हो यहाँ पर, तो इसके लिए आपको जाकर देखना पड़ेगा आज का व्लॉग #89। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट का क्वेश्चन, कुछ अलग ही बन गया, सोचता कुछ हो और बन कुछ छोड़ जाते यार, पता नहीं क्या चक्कर है, मतलब आज का जो व्लॉग था बिल्कुल सिंपल सा था, बट आज के व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा यूनिक बन चुका है, बिल्कुल मतलब अलग ही लेवल का बन चुका है, सही बता रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं एडिटिंग के बाद कैसे कुछ दिक्कत आएगा भाई, बहुत ही अलग ही नेक्स्ट लेवल है। #89 कल के दिन 3 महीने पूरे हो जाएंगे और आज के दिन ऐसा कुछ अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया यार, बिल्कुल आज का लाइव सेशन देखकर, और मैं भी सॉरी व्लॉग आज का, ठीक है, प्लस में 3 × 4 गुणा में माइनस में 2 की पावर 2, आई थिंक आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत, हाँ जी आप देखो दिखाई दे रहा ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो कि मैंने कल समझाने वाला था, कल नहीं आज रात में, और उसका लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो आज रात में बहुत सारे क्वेश्चन समझाने वाला था, रात में कर लो, अभी दिन में कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन समझाने वाला था, कोई नहीं, जब भी जैसे ठीक होगा ना यूट्यूब का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं समझाऊंगा या फिर आपको रिकॉर्ड करके वीडियो दे दूंगा मैं, वैसे पड़ी हुई काफ़ी सारी वीडियोज़ आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर लास्ट वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, पता लास्ट रात से इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ ना कि मुझे बोला नहीं जा रहा हूँ बिल्कुल भी, लगातार रात से मैं बोले जा रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई भी रेस्ट नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, मुझे अभी एडिटिंग नहीं करनी है। इसके बाद 4 3 12 बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर देखो बोर्ड मास में अगर किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है ब्रैकेट दे रखा है तो उनको पहला आपको सॉल्व करना है, वो पहली प्रायोरिटी पर आते हैं, जैसे कि 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है 4 ही होता है, तो पहले आपने यहाँ पर 4 लिख दें, ठीक है, फिर माइनस, फिर आपको करना है गुणा, बिकॉज गुणा पहले आता है इसके बाद जमा आता है उसके बाद घटाते हैं, तो गुणा करने पर आपको 12 आ गया, 4 3 12 यहाँ पर लिख देंगे, बीच में प्लस का निशान लगा दीजिए। अब आपको करना है एडिशन, क्या करेंगे एडिशन, क्या करेंगे एडिशन, साथ बोलो ऐड करने में कितना आ गया 24 आ चुका है, माइनस में 4। अब लास्ट में आपको करना घटा, बोले तो घटाना है आपको, ठीक है, तो घटाने में कितना आ गया 20 आंसर आ गया, और 20 इज द करेक्ट आंसर। फाइनली तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आप उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है, इसके छोटे से क्लिप आपको दे दूंगा काट कर, जो कि आप चैनल पर देख लेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे देखो। तो फाइनली 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला था, जो कि आपको मिल जाएंगे चैनल पर अवेलेबल होंगे, कल के लाइव सेशन में जाकर जरूर देखिए।